मजा आया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि MS धोनी का सबसे बड़ा फैन यहाँ पे कौन कौन है, प्लीज कमेंट करके बताना। मुझे पता है कोई ना कोई तो यहाँ पे बहुत बड़ा फैन हो गई होगा, और जो लोग भी MS धोनी का फैन है कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले एक VPN का ज़रूरत पड़ेगा, VPN को कनेक्ट कर लेना, उसके बाद CapCut ऐप को ओपन कर लेना, ठीक है, और CapCut का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना, उसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। पहले उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आपको यहाँ पे सिंपल से ऐड कर लेना है, ठीक है। वीडियो को ऐड कर लेने के बाद नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, 9:16 रेशियो पर क्लिक करना है, राइट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, म्यूट क्लिप ऑडियो, इस पर क्लिक कर देना ताकि जो वीडियो का साउंड है वो म्यूट हो जाए। उसके बाद ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, साउंड्स पर क्लिक करना है, और आपके यहाँ पे जो साउंड है उसको आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो साउंड है उसको ऐड कर लेता हूँ। अरे कहाँ गया साउंड, एक सेकंड गाइस, मैं साउंड को ऐड कर लेता हूँ। अरे छोड़ो, डायरेक्ट वीडियो से ही मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको अभी साउंड को ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद अभी आपको एक चीज का ध्यान देखना है, एंडिंग पार्ट को पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे देखना है, इस ऑडियो में 4 या 5 बीट ऐसा है जो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ज़्यादा बीट नहीं है, बाकी मैं आपको बता दूंगा इमेज वगैरह का ड्यूरेशन बता दूंगा, बस 4-5 बीट को आपको यहाँ पे ध्यान से सुन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको जब सुनोगे आपको पता चल जाएगा, तो पहला बीट तो ऑब्वियसली ये होगा, सेकेंड बीट यहाँ पे कहीं पर होगा वो आपको देख के यहाँ पे बीट ऐड कर लेना है, ठीक है। बीट पर जाके ऐड बीट ऐड कर लेना, उसके बाद आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे सुन के बीट को ऐड कर लेना है, ठीक है। 4 या 5 बीट है वो आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे इमेज को ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, और आपको फोटो सेक्शन पे आना है, और अभी आपको यहाँ पे इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड कर लेना है, और ये सभी इमेजेस मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजिली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, हर इमेज का ड्यूरेशन आपको 1 सेकंड रखना है, ठीक है, और जहाँ पे बीट होगा वहाँ पे अगर 1 सेकंड नहीं हुआ तो एडजस्ट कर लेना, मैं दिखा देता हूँ कैसे, ठीक है। तो इस इमेज को हम लोग क्या करेंगे, 1 सेकंड रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इमेज को हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फिल स्किन कर लेंगे 2 फिंगर से, इसको हम लोग 1 सेकंड कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हो ये 1 सेकंड, ये 1 सेकंड कर दिया, तो ये इमेज 1 सेकंड नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो ये वाला इमेज इसको हम लोग बीट तक ऐड कर देंगे, समझ में आ गया। उसके बाद बाकी इमेज को हम लोग फिर से 1 सेकंड कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको फिर से 1 सेकंड कर देंगे। अरे रुक जा भाई, फिर से इसको हम लोग 1 सेकंड कर देंगे, ठीक है। ये देखो ये बीट यहाँ तक आ गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी सभी को क्या करना है, 1 सेकंड 1 सेकंड रखना है, और जहाँ पे बीट है अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा क्या करना है, ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। ठीक है, तो सभी इमेज को आपको यहाँ पे 1 सेकंड 1 सेकंड कर लेना है, और बीट जहाँ तक इसको आप लोग खुद को एडजस्ट कर लेना, खुद आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे इफेक्ट को ऐड करना होगा, ठीक है। तो इमेज पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है, और एक चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेशन पर क्लिक करना है, इन पर आना है, और इन पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट मैंने यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं रखा कि यही इफेक्ट ऐड करना है, यही इफेक्ट अच्छा लगेगा मैच होगा, मैंने यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगा मैंने सब दे दिया, ठीक है। आपको भी सेम करना है, यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना है, नेक्स्ट इमेज पर जाना है, सेम आपको इस तरीके से ऐड करते रहना, ठीक है। जो आपको पसंद है आप लोग सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे ऐड करते रहना, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो मैं यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट ऐसे ही मैंने यूज़ किया, कोई भी मैं आपको यहाँ पे दिखाई, तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मतलब यही इफेक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे पसंद है आप लोग सिंपल से इन में से जितना भी इफेक्ट होगा आपको सिंपल से क्या करना है, पूरा एंड तक, ठीक है, इस स्टेटस का एंड तक सभी इमेजेस में आपको इस तरीके से जो भी आपको इफेक्ट पसंद है आप लोग इस तरीके से ऐड करते रहना, ठीक है। देख सकते हो अभी, ठीक है।
ठीक है। इस तरीके से जो भी आपको यहाँ पे इफेक्ट पसंद है आप लोग सिंपल से क्या करना, इस तरीके से रख लेना, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको इफेक्ट पसंद है सभी इमेजेस पर ऐड कर लेना है, सभी इमेजेस पर ऐड कर लेना है। एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, नीचे जो इफेक्ट इस पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है प्ले पेंडुलम, ठीक है। प्ले आप लोग सर्च करोगे तो ऊपर आ जाएगा प्ले पेंडुलम, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको ये जो इफेक्ट है इसको सिलेक्ट करना है प्ले पेंडुलम इसको, उसके बाद आपको यहाँ पे अरे ये कैंसिल हो जा भाई, राइट पर क्लिक करना है और आपको क्या करना है इस इफेक्ट को पूरा एंडिंग पॉइंट तक क्लिक कर देना है, ठीक है। जहाँ तक हमारा सॉन्ग है ये तो मैंने एडजस्ट नहीं किया, आप लोग को एडजस्ट कर लेना, जहाँ तक सॉन्ग इसको रख देना है। उसके बाद वीडियो इफेक्ट पर फिर से क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन पर आपको यहाँ पे मिलेगा एज ग्लो, मिलेगा एज ग्लो को सिलेक्ट करना है, राइट पर क्लिक करना है, सेम इसको भी पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से आके ना वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है और अभी आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लैक फ्लैश टू, देख सकते हो, इसको सिलेक्ट करना है, एडजस्ट पर क्लिक करना है, स्पीड को फुल कर देना है, इंटेंसिटी को कम करना है, साइज को थोड़ा सा कम करना है, तो इसको थोड़ा सा कम कर देना, राइट पर क्लिक करना है और इसको भी पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना ये, तो ये मैंने एडजस्ट नहीं किया, बस आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया। बाकी आप लोग अच्छे से टाइम लेके सभी इमेजेस को ऐड करना और इफेक्ट वगैरह ऐड करना, उसके बाद आपका वीडियो बहुत ज़्यादा मस्त बन जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका वीडियो जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करो, वीडियो सेव हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो लोग भी माही भाई का फैन है कमेंट करके ज़रूर बताना, थाला फॉर ए रीज़न, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।